Now, firstly, we'll discuss about endoplasmic reticulum, which is also known as ER in short. It is a single membrane-bound cell organelle which forms a network of tube-like structures within the cytoplasm of eukaryotic cell. It is absent in prokaryotic cell, and its constitution means its structure, its membrane ka structure hota hai, that is just like plasma membrane. और ये एक तरफ से प्लाज्मा मेम्ब्रेन से और सेकेंड साइड से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जुड़ा होता है, बीच में चैनल का काम करता है. इट अकर्स इन थ्री फॉर्म्स, सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स एंड वेसाइकल्स. सिस्टर्नीज आर क्लोज्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर्स, वेसाइकल आर ऑब्लॉन्ग स्ट्रक्चर्स एंड ट्यूब्यूल्स स्मॉल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स. अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह की होती है. फर्स्ट इज RER, दैट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. व्हाई? बिकॉज दे हैव राइबोसोम्स अटैच्ड ऑन द इट्स सरफेस. और दूसरी होती हैं SER, दैट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विच इज विदाउट राइबोसोम्स. नाउ फंक्शंस क्या होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के? फर्स्ट दैट इज इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल. ये फ्रेमवर्क का काम करता है सेल के लिए. सेकेंडली इट सर्व्स एज अ चैनल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द साइटोप्लाज्म या न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म के बीच में भी ये ट्रांसपोर्ट का काम करता है, मटेरियल्स को इधर से उधर पहुँचाता है. थर्डली RER, दैट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस क्योंकि इसमें राइबोसोम्स पाए जाते हैं. वाइल SER, दैट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ लिपिड्स दैट आर फैट. इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस. एक्चुअली द प्रोटीन्स एंड लिपिड्स सिंथेसाइज्ड बाय द ईयर मेम्ब्रेन्स, दे हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस. Now, SER which are present in liver cells, they help in the detoxification of the cell, यानी कि सेल से सारे poisonous substances को बाहर निकालने का काम smooth endoplasmic reticulum का होता है. So, these are the main functions of endoplasmic reticulum.